ये कहानी है दो बहनों की। दोनों बहनों में बड़ा प्यार था। एक का नाम था बुद्धि, दूसरी का नाम था भाग्य। वैसे तो हमेशा वो दोनों मिलजुल कर रहा करती थी, लेकिन न जाने क्यों एक दिन उन दोनों में एक बात को लेकर बहस हो गई। मुद्दा था कि दोनों में से बड़ी कौन है। दोनों को ही नहीं पता था कि कौन बड़ी है, इसलिए वे दोनों ही अपने अपने बड़े होने का दावा कर रही थी। लंबी चलने वाली बहस का कोई परिणाम नहीं आता देखकर दोनों ने मिलकर एक समाधान निकाला। दोनों ने तय किया कि वे दोनों एक साथ किसी एक घर में जाएंगी और वहां अपनी अपनी शक्तियां आजमाएगी। जो बड़ा होगा वह जीत जाएगा। दोनों चलते चलते एक किसान के घर तक आ पहुंची। इस किसान के घर में उसके दो बेटे रहते थे। दोनों ही किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दोनों बहनों ने तय किया कि वे दोनों एक एक भाई को अपनी शक्तियां देगी और जिसकी भी शक्तियों की मदद से जो भाई परीक्षा में अच्छे से पास हो जाएगा उस बहन की शक्तियां और वह बहन बड़ी साबित हो जाएगी। बुद्धि ने अपनी शक्ति किसान के बड़े बेटे को और भाग्य ने छोटे बेटे को दी। अब बड़े बेटे को बुद्धि की कृपा की वजह से पढ़ाई में काफी मन लगता, इसलिए वो घंटों तक पढ़ता रहता। किसान का छोटा बेटा जिसके ऊपर भाग्य ने अपनी कृपा बरसाई थी वो बिल्कुल पढ़ता नहीं था। जल्द ही वो दिन भी आ गया जब बड़े भाई और फिर छोटे भाई की परीक्षा होनी थी। बड़ा भाई जिस पर बुद्धि की कृपा थी उसने जब अपना पेपर देखा तो बदनसीबी से सभी वही सवाल आए थे जो उसने पढ़े नहीं थे या वो पढ़ नहीं पाया था। अगले दिन भाग्य की कृपा के साथ छोटा भाई परीक्षा देने गया। भाग्य उसके साथ था इसलिए उसके पेपर में सबसे आसान प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन सब व्यर्थ था क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। वो पछताने लगा और सोचने लगा कि उसने थोड़ी सी भी बुद्धि पढ़ाई में लगाई होती तो आज वो आसानी से पास हो जाता। इस तरह बिना भाग्य के किसान का बड़ा बेटा और बिना बुद्धि के किसान का छोटा बेटा परीक्षा में फेल हो गया। इस घटना से भाग्य और बुद्धि दोनों बहनों को ये अच्छे से समझ में आ गया कि जब वो अलग अलग है तब दोनों ही छोटी है और साथ है तो दोनों की ताकतवर और बड़ी है। फिर वह दोनों मिलकर रहने लगी और किसान के दोनों बेटे भी उनको पसंद करने लगे थे। वह भी उनसे बातें कर लेते थे।